चलिए आगे बढ़े। जेडीए से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं जेडीए के हालात सुधारने के लिए जेडीसी हुई है सख्त। अब सुबह समय पर नहीं आने वाले जोन उपायुक्तों को नोटिस दिया। जोन उपायुक्त रेणु सैनी, निहारिका शर्मा, दीपक खटाना को नोटिस दिया गया है जेडीसी। और आपको बताएं कि यहां पर नोटिस दिया गया है निहारिका शर्मा, दीपक खटाना को। जेडीसी ने सुबह 9:30 बजे इंटरकॉम पर डायल कर जानी हकीकत। जोन उपायुक्त तय समय पर ऑफिस में नहीं पहुंचे। बाद में जोन उपायुक्त दीपक खटाना ने जेडीसी को सफाई दी, करंट लोकेशन भेजकर सफाई दी गई। रेणु सैनी ने कहा कि वो दूसरे जोन में थी। जेडीसी ने अफसरों का ऐसे पकड़ा झूठ, अतिरिक्त चार्ज वाले जोनों में के इंटरकॉम पर भी डायल कर जानी हकीकत। अब जेडीसी ने जोन उपायुक्तों की अनुपस्थिति की ऐसी जानी हकीकत कि जेडीसी ने अफसरों को लगाई फटकार, और आज भी कई अफसर समय पर नहीं पहुंचे हैं। राम सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। राम सिंह, ये जानकारी मिल रही है कि जो भी जेडीए के हालात हैं वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, अभी भी उसके हालात नहीं सुधरे, लेकिन जेडीसी अब सख्त हो गई है, अब नोटिस दिया गया है जो उपस्थित थे, अब क्या इस तरीके के एक्शन आने वाले समय में सही बैठेंगे, इन पर लेना चाहिए, क्योंकि इन सभी ने अपना अपना रीजन तो दे दिया कि हम क्यों वहां पर मौजूद नहीं थे। देखिए चंद्रश्री, जयपुर विकास प्राधिकरण में जो हालात चल रहे हैं और जेडीसी हालात सुधारने में जुटी हुई है, 9:30 बजे आने का ऑफिस टाइम होता है, लेकिन अधिकारी लेट लतीफ आते हैं। अधिकारियों के लेट लतीफ आने से स्टाफ भी लेट ही आएगा। तो इस मामले में जेडीसी ने सुबह 9:30 बजे जब इन अधिकारियों की जो ऑफिस है, इनका चैम्बर है, उनमें बाकायदा इंटरकॉम में फोन किया, पता किया, ये नहीं पहुंचे अधिकारी। बाद में अपनी सफाई देने लगे कि साहब मैं वहां था, जबकि हकीकत में जेडीसी ने इनका झूठ पकड़ा और इनको नोटिस दे दिया। और नोटिस देके कारण का नोटिस दिया है कि आप बताइए कि कैसे आप लेट आते हैं, किस वजह से लेट आते हैं, तो स्टाफ पर इसका खराब असर पड़ रहा है। और आप ये देखिए, इन नोटिस के बाद आज भी रेणु सैनी को देख लीजिए, आज ही लेट आई है, आप ये देखिए आज ही लेट है। तो जेडीसी के शक्ति का भी इन अफसरों पर यानी कि फटकार कोई असर नहीं पड़ रहा है। राम सिंह, यहाँ पर सिर्फ फटकार लगाने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए, ये जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त जब तक बड़ा एक्शन नहीं लेगी तब तक अफसर सुधरने वाले नहीं है। इन पे जनता के जो कार्य हैं वो अटके हुए हैं, कोई मॉनिटरिंग का वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है। किसी का 6-6 महीने से काम अटका हुआ, किसी का 3-3 महीने से अटका हुआ है, और किसी का क्या है, कोई सिस्टम नहीं है। और कई लोग तो दिन भर भटक के निकल जाते हैं और उनकी व्यथा सुनने वाला नहीं है कोई। ठीक है राम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जनता का काम भले ही अटके लेकिन इन्हें अपने कार्यालय तक समय पर नहीं पहुंचना है, और जबकि सख्त हो चुकी है जेडीसी, अब फटकार भी लगाई है और कहा भी गया, चेताया भी गया, उसके बावजूद कुछ लोग समय पर नहीं पहुंचे, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी गफलत है और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही है जो की जा रही है बार बार।